Video, we will discuss class 10th subject science lesson number 1 chemical reaction and equation. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के साइंस बुक से लेसन नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं. तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेज. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेज नए सब्सटेंसेज बनाए, और जो ये नए सब्सटेंसेज बनेंगे इनकी प्रॉपर्टीज यानी गुण धर्म बिल्कुल डिफरेंट होंगे जिनसे ये मिलके बने हैं. एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स. और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है फिजिकल मेथड्स के द्वारा. रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? जो ये नया सब्सटेंस बने हैं अगर हम चाहें इनको वापस उन्हीं सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करना जिनसे ये मिलके बना है, तो इसको फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता है. फिजिकल मेथड आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर मैंने उनमें से कुछ लिख दिए हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, वेपोरेशन. इन सभी फिजिकल मेथड से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है. नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स. केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलेंगे उनकी स्टेट चेंज हो सकती है. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड या लिक्विड, मतलब कि कोई भी स्टेट चेंज हो सकती है. चेंज इन कलर. केमिकल रिएक्शन होने से पहले के सब्सटेंस और केमिकल रिएक्शन होने के बाद के सब्सटेंस का कलर डिफरेंस हो सकता है. टेम्परेचर में इसी तरह से टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, और एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकती है. केमिकल रिएक्शन हैपन इन अवर डेली लाइफ. केमिकल रिएक्शन को हम समझ चुके हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं. तो फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड. जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचना, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है. रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन यानी सांस लेना. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है. रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे पर जंग लगना. लोहे पर जंग लगना जो होता है ये एक स्लो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है. ये जो भी है ये हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं. अगर इनके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि एक्टिविटी 1.1 में दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. एक्टिविटी 1.2 में जो दिया गया है, लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. और एक्टिविटी 1.3 में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक की गोलियां डालेंगे, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है. ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं केमिकल रिएक्शन के. तो केमिकल रिएक्शन में दो इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. मतलब ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन में ही नहीं, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो भी हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पहचान करनी होगी. तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट, हिस्सा लेते हैं, ठीक है, भागीदारी लेते हैं. एंड प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है. जो भी नए सब्सटेंस बनेंगे, जरूरी नहीं है कि एक बने, ज्यादा भी बन सकते हैं. एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छी तरह से हमें ये समझ में आ जाएगा. तो एग्जांपल है एक्टिविटी 1.1 से लिया है हमने, जब व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है, एयर यानी कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही गैस होती है जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो एयर की जगह हम कहेंगे ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जब बर्न किया जाता है तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या होंगे? रिएक्शन में पार्ट कौन कौन ले रहा है? यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों जो होंगे ये होंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है. और प्रोडक्ट्स क्या होंगे? प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रहा है, जरूरी नहीं है एक आए, ज्यादा भी हो सकते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड, नया सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसे किस तरह से लिखा जाता है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है उसको केमिकल इक्वेशन की सहायता से दर्शाया जा सकता है, शो किया जा सकता है. इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. इसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है. जो भी सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स में हो चाहे वो प्रोडक्ट्स में हो, उनके सिंबल्स का यूज किया जाता है. और उसके साथ साथ विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन की जाती है. फिजिकल स्टेट यानी कि
वो सॉलिड है, जो भी सब्सटेंस सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, गैस या एक्वस। तो इन सब के सिंबल्स का यूज, इन सब के सिंबल्स का भी यूज किया जाता है। सॉलिड सॉलिड के लिए हम एस का यूज करेंगे, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी और एक्वस के लिए ए क्यू। एक्वस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, पहले केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 से, मैग्नीशियम रिबन बर्नट इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक केमिकल रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी, यहाँ पर हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है। तो रिएक्टेंट है यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का सिंबल, हमें सिंबल्स का यूज करना है, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। और जो भी दो रिएक्टेंट है तो दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। चाहे वो दो रिएक्टेंट हो, दो से ज्यादा भी होंगे, तो सभी के बीच में प्लस प्लस का साइन लगाएंगे। अगर प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होंगे तो उनके बीच में प्लस का साइन आएगा सभी के बीच में, ठीक है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर ये रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं तो प्लस का साइन लगा दिया। अब लगाएंगे हम एक एरो, एरो जो है वो रिएक्शन की डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन करेंगे और हम बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और जो ये एरो होता है इसके टेल की तरफ होते हैं रिएक्टेंट्स और हेड की तरफ होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट हमेशा एरो के हेड की तरफ लिखा जाता है और टेल की तरफ रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी। लेकिन ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। बैलेंस किस तरह से, Mg O2, यहाँ पर Mg में कितने एटम है, 1, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। तो इस तरह की इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती है उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। इसे बैलेंस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। और अभी तो हमने इसकी फिजिकल स्टेट भी नहीं लिखी है, तो फिजिकल स्टेट लिखेंगे यहाँ पर Mg मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड, S4 सॉलिड प्लस में O2, O2 क्या है, गैस, ठीक है, G4 गैस। और मैग्नीशियम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, ठीक है। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी। अब बात करते हैं एक्वस। एक्वस क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। कोई भी चीज पानी में घुली हुई होती है, उस सब्सटेंस, सिर्फ हम उस सब्सटेंस की बात करते हैं जो पानी में घुला हुआ है, तो हम उसे कहेंगे एक्वस, ठीक है। जहां पर सॉल्वेंट वाटर होता है तो वो होगा एक्वस सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। उसके लिए एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर Fe+H2O, रिएक्शन करने के बाद क्या बना, Fe3O4 प्लस में H2। Fe जो सिंबल होता है ये होता है आयरन का, तो आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड, फेरिक भी कहा जाता है आयरन को, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है या आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है। तो इसको हम बैलेंस करके देखेंगे इसे किस तरह से, किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हिट एंड ट्रायल से सोल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो Fe सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या रखेंगे हम, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ठीक है। एलिमेंट क्या है यहाँ पर, Fe, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे Fe के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में और Fe के कितने एटम है प्रोडक्ट्स में। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर Fe अकेला है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो समझो Fe का यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर Fe के 3 एटम्स है। तो दोनों को लिख लेंगे, रिएक्टेंट में Fe का 1 एटम है और प्रोडक्ट में 3 एटम है। इसी तरह से हाइड्रोजन का चेक करेंगे, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। अब ऑक्सीजन के चेक करेंगे, ऑक्सीजन का यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, तो रिएक्टेंट में 1 प्रोडक्ट में 4। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इन दोनों में इक्वल एटम्स होने चाहिए, ठीक है। इक्वल करना है हमें इन सबको, 1 को और 3, इन सब चीजों को हमें इक्वल करना है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ये एलिमेंट है या कंपाउंड है इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे इस तरह से। ब्रैकेट में बंद करने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो है हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी हमें चेंज करना है, जो भी हमें कुछ नंबर
लिखना है वो इसके आगे लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर या यहां पर या यहां पर। तो यहां पर है Fe 1 और यहां पर है 3, तो हम 1 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, मतलब जो ये 3 हमें मल्टीप्लाई करना है ये कहां पर करेंगे हम, Fe के आगे, ठीक है। अगर हमने इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां क्या हो गया, Fe के 3 एटम्स हो गए और यहां भी Fe के 3 एटम्स हो गए, मतलब कि फेरिक जो है आयरन वो है वो हो गया यहां पर बैलेंस। H2 देखेंगे, H2 के रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो बैलेंस है ये पहले से ही। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का 1 है और 4 है, तो यहां हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, तो ये हो जाएगा 4। तो रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करना हमें, ठीक है, तो रिएक्टेंट में 4 है तो यहां पर ऑक्सीजन है, तो ब्रैकेट के हम यहां पर तो चेंज कर नहीं सकते, तो हमें यहां पर करना पड़ेगा, और यहां पर अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये H2 में भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में, तो 4 ऑक्सीजन क्या क्या हो गया, 4, लेकिन ये हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ है तो हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया 8, मतलब जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अगर इसको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है तो हम यहाँ तो कोई चेंज कर नहीं सकते, हम जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट में H2 है, अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 4 4 to the 8, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब इसको फिजिकल स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट के साथ इसे दोबारा लिखेंगे, ठीक है। फिजिकल स्टेट मैंने पीछे वाले पेज पर समझा ही दिया था, जैसे कि सोलिड, S फॉर सोलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस और AQ मींस एक्वस। इसे दोबारा से लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 Fe जो कि होता है एक सोलिड प्लस में 4 H2O, ये होता है लिक्विड, रिएक्शन हुआ उसके बाद Fe3O4, ये भी होता है सोलिड प्लस में 4 H2, हाइड्रोजन होती है गैस, ठीक है। ये हो गया हमारी प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें सभी की फिजिकल स्टेट मेंशन होगी और सभी एटम्स दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो थोड़ी सी हमारी होगी कॉम्प्लेक्स, थोड़े बड़ी कैलकुलेशन जिसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ा। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिविटी 1.1 से, मैग्नीशियम Mg प्लस O2, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। हम पीछे वाले पेज पर ये इक्वेशन लिख चुके थे लेकिन ये बैलेंस नहीं थी हमारी पीछे वाले पेज पर, तो इसे बैलेंस किस तरह से करेंगे। O2 यहाँ पर है, मतलब मैग्नीशियम तो यहाँ पर बैलेंस है, दोनों तरफ 1-1 है, O2 यहाँ पर है और O यहाँ पर है, तो O2 को बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए, मतलब दोनों के 2-2 हो गए। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन के हैं, मैग्नीशियम का 1 है, तो मैग्नीशियम को भी इस तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 Mg सॉलिड प्लस में O2 गैस उसके बाद 2 MgO, ये हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। पीछे वाले जो पेज पर जो हमने इक्वेशन लिखी थी स्केलेटल केमिकल, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से तो आपको इस तरह का टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस किया, लेकिन हमने क्यों किया बैलेंस ये जानना जरूरी है। तो इस पेज पर हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। ये क्या कहता है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर जो होता है वो ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब क्या होगा, जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में है उतने एटम्स ही प्रोडक्ट्स में होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट निकलता है इससे, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, जितने भी एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो बिल्कुल इक्वल होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, ये दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर कोई एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाए, ठीक है, कोई एक सिंगल
नया सब्सटेंस बनाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, जैसे ए और बी, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे ए और बी, वो मिलकर केमिकल रिएक्शन करेंगे ये, और ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा बनाएंगे, तो उसे कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं और अच्छी तरह से इसे समझने के लिए। तो फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जब बर्न किया जाता है तो कोल होता है कार्बन, तो कार्बन का सिंबल होता है सी, और बर्निंग के लिए गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्सीजन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे ये, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे ये CO2 गैस। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। पानी किस तरह से बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं H2O, और H2O जो होता है ये होता है लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि दो गैसेस एक लिक्विड बना रही हैं, तो यहाँ पर स्टेट भी चेंज हो रही है। तो फॉर्मेशन यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट्स हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं वाटर, तो ये भी क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कोई एक सिंगल कंपाउंड या सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाता है, बट जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, या कह सकते हैं प्रोडक्ट्स में। जब कोई सिंगल रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे कहेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारा एक सब्सटेंस है ए, केमिकल रिएक्शन होता है और ये दो अलग अलग सब्सटेंस बी और सी में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो इसे कहा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, तीन टाइप्स का। सबसे पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर विद एग्जांपल्स। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है हमारे सामने थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा कैरी किया जाता है, मतलब हीट के द्वारा उसे हम अलग अलग करते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट है। ठीक है, इसको जब हम हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा किया जाए, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड और सेकेंड होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो उसे कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जो हीट के द्वारा किया जाए। सेकंड है हमारे सामने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी वर्ड से आप समझ सकते हैं व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब ये डिकम्पोजिशन किस तरह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं H2O, H2O इट मीन्स वाटर। वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसमें से दो गैसेस निकलती हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। मतलब वाटर जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट जब इलेक्ट्रिक करंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट की वजह से होता है उसे कहा जाता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, Ag सिल्वर का सिंबल होता है, तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड को हम जब सनलाइट में रखेंगे तो वो अलग अलग दो अलग अलग कंपाउंड दो अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसे कहा जाता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जो सनलाइट की वजह से होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो ये रिएक्शन किया है हमने, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में पुट करके सिल्वर और क्लोरीन में डिवाइड किया जाता है, इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसमें कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है उसी के सॉल्यूशन में से, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के ही सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही हटा देता है, उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, यहाँ पर Fe इट मींस आयरन, आयरन प्लस USO4 कॉपर सल्फेट, रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा ये आयरन सल्फेट प्लस में Cu। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें एलिमेंट है कॉपर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आयरन जब इसमें डाला जाएगा, आयरन को इसके साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो ये क्या करेगा, कॉपर को ही अलग कर देगा, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये आयरन है कॉपर को अलग कर देगा इसी के सॉल्यूशन में से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा FeSO4, मतलब यहाँ पर जो Cu था उसको इसने अलग कर दिया, Fe ने अलग कर दिया इसी के सॉल्यूशन में से, तो FeSO4 बना और Cu बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सॉल्यूशन में से। इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है। जब इसमें एक आयरन नेल, ये एक आयरन नेल है, आयरन नेल को जब हम इसमें टेस्ट ट्यूब ए में डालेंगे तो ये इसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा, ठीक है, जब इसमें डालेंगे तो इसका कलर इस तरह का चेंज हो जाएगा जो कि सेकंड टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, इस तरह का ये कलर हो जाएगा। और आयरन नेल जब कुछ देर बाद इससे निकालेंगे तो आयरन नेल पहले तो शाइनी कलर थी, उसके बाद हो जाएगी ब्राउनिश कलर की। ये क्यों हो गई? क्योंकि इस पर जो है सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि इस पर सल्फर सल्फेट का लेयर आ जाती है आयरन नेल के ऊपर। और ये ग्रीन कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सिर्फ इसमें कॉपर बचता है, जो भी सल्फेट होता है वो आयरन नेल पर चला जाता है, ठीक है, इस वजह से इसका कलर ग्रीन हो जाता है। आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को डाला जाता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन जो है वो, क्योंकि वो आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्मड बाय म्यूचुअल एक्सचेंजेस ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस के एक्सचेंज होने से नए कंपाउंड्स बने, ठीक है, उसे कहेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, मैंने इसका यहाँ पर नीचे लिख दिया है नाम सभी के, सोडियम सल्फेट प्लस में बैरियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा BaSO4, बैरियम सल्फेट और NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट जो है वो सोडियम के साथ है, लेकिन आगे देखेंगे तो सल्फेट किसके साथ आ जाएगा, बैरियम के साथ हो जाएगा, बैरियम सल्फेट, ठीक है, और उसके बाद बैरियम क्लोराइड है यहाँ पर, तो रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, मतलब क्या हुआ इसमें जो ये सोडियम है ये क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है और ये सल्फेट जो है ये बैरियम के साथ जुड़ जाता है। तो इसमें क्या हुआ आयंस का एक्सचेंज हुआ है किन के बीच में, बैरियम और सल्फेट के बीच में, बैरियम के जो आयंस होते हैं वो 2+ होते हैं और SO4 के जो आयंस होते हैं वो 2- होते हैं, तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, इसे इसके पास दो एक्स्ट्रा होते हैं, इसको दो की जरूरत होती है, तो ये दोनों मिलकर BaSO4 बनाते हैं, ठीक है, बैरियम सल्फेट, जहां पर आयंस का एक्सचेंज होने से दो नए कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज होने से नए कंपाउंड्स बनते हैं, उसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें बुक में हमारी एक स्पेशल टर्म आती है प्रिसिपेट। ये क्या होता है? इट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड दैट एमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, प्रिसिपेट जो है एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो कि लिक्विड में केमिकल रिएक्शन के दौरान लिक्विड में ही बनता है, उसे कहा जाता है प्रिसिपेट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ जाए तो होगा ऑक्सीडेशन। और क्या होगा? द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, या फिर उसमें हाइड्रोजन, उसमें से हाइड्रोजन हट जाए तो भी ऑक्सीडेशन। यानी कि
ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना, दोनों क्या होंगे? ऑक्सीडेशन होंगे। ठीक है, इसी तरह से रिडक्शन, रिडक्शन जो होता है ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस एंड द रिमूवर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, इसमें ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होगा या फिर ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए, दोनों कंडीशन में क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इन दोनों की। तो फर्स्ट है यहाँ पर 2Cu+O2, 2Cu+O2 रिएक्शन होने के बाद क्या बना? 2CuO। तो यहाँ पर Cu जो है रिएक्शन के बाद इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पर Cu अकेला है, यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो किसी में भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? CuO, ऑक्सीजन इसके साथ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। CuO हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? Cu+H2O। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन इसके साथ था, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन इसमें से हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन। तो Cu का तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? H2 हाइड्रोजन, और रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया? H2O। तो यहाँ पर H में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो H2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो, तो उसे कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो सबसे पहला कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम। कोई मेटल, मॉइस्चर यानी कि नमी, एयर, वाटर, एसिड, इन सब चीजों के संपर्क में आता है कुछ समय तक, तो अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकन्स द मेटल, हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड। तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो कि मेटल को कमजोर कर देती है, वीकन्स कर देती है, मतलब कमजोर कर देती है। और जब ये मेटल को कमजोर कर देती है तो उसे कहा जाता है कोरोड। ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना। आयरन मीन्स लोहा, लोहे को जब, लोहा जब एयर या वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो इस पर क्या होता है? एक ब्राउन लेयर बनने लग जाती है, ऑक्साइड लेयर होती है। ठीक है, ऊपर से ब्राउनिश होने लग जाता है सरफेस, जो ऑक्साइड लेयर होती है, और वो आयरन को कमजोर कर देती है। इसी तरह की कोटिंग जो सिल्वर पर लेयर बनने लग जाती है, सिल्वर पर ब्लैक लेयर बनने लग जाती है। ठीक है, और इसी तरह से कॉपर जो होता है उस पर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। ये सभी क्या है? कोरोजन। इन सब का क्या हो रहा है? कोरोड। ठीक है, और कोरोजन से अगर हमें किसी मेटल को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेंटिंग, उस पर हमें पेंट अप्लाई करना होगा या फिर ग्रीसिंग। इन दोनों चीजों में, पेंटिंग और ग्रीसिंग में क्या होता है, जो भी मेटल है वो किसके कांटेक्ट में? एयर, वाटर या फिर और किसी अन्य चीज के कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, सेकंड इफेक्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। फैट्स या फिर ऑयल्स यानी कि हमारा जो खाना होता है या फिर ऑयल्स, उनका ऑक्सीडेशन हो जाना किस वजह से? एयर के कॉन्टेक्ट में आने से ऑक्सीडेशन हो जाना, उसे कहा जाता है रेंसिडिटी। इसके कारण क्या होता है? इट लेड्स टू बैड स्मेल। इसके कारण क्या होता है? स्मेल, बुरी सी स्मेल आने लग जाती है जो भी फूड होता है, और उसका टेस्ट भी बेकार हो जाता है, बैड टेस्ट हो जाता है फूड का। ठीक है, तो इससे बचने, रेंसिडिटी जो है इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? फूड पैकेट्स, जो फूड पैकेट्स आते हैं, या फिर जैसे आप चिप्स पैकेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, चिप्स पैकेट होते हैं, अगर उनमें, उसमें गैस डाली जाती है नाइट्रोजन, मतलब जो चिप्स पैकेट्स होते हैं उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल के नाइट्रोजन गैस उसमें डाल दी जाती है, और जो नाइट्रोजन गैस होती है ये रेंसिडिटी से बचाती है। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं डालेंगे तो जो चिप्स वगैरह होंगे वो बिल्कुल गल जाएंगे, अंदर खराब हो जाएंगे। उसको, पैकेट को आप खोलोगे तो उसमें से बहुत बुरी सी स्मेल आएगी और टेस्ट भी उसका खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। तो इससे बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है जो कि ऑक्सीडेशन को, फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। चिप्स पैकेट्स वगैरह जो होते हैं, फूड पैकेट्स, उसमें नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस डाली जाती है और क्यों डाली जाती है। ठीक है,
केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट्स में, फर्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दो पार्ट्स में से टेम्परेचर के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उसमें से हीट रिलीज होए या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होए तो उसे कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए, एग्जांपल है इसका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है, ठीक है, तो नेचुरल गैस होती है CH4 जिसे मीथेन कहा जाता है। मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और H2O गैस, H2O वाटर होता है लेकिन ये गैस की फॉर्म में है, मतलब वेपर की फॉर्म में है, तो H2O बनेगा और बहुत सारी हीट भी रिलीज होगी। जब गैस को बर्न करते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होती है, तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाएगा जिसमें हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होता है? अब है एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें जिसको कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे कहा जा, किस किस तरह की एनर्जी? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़े जिस रिएक्शन को कराने में, उसे कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो वो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स होंगे वही जो आप पीछे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। डीकम्पोजिशन हीट के द्वारा किया जाता है, हीट के द्वारा किया जाता है, लाइट के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों तरह से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन किया जाता है वही इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, चैप्टर हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हैं अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा रह गया जो समझ में नहीं आया है तो प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, एंड